अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरी से होंगे, फिट फाट होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आती है, डाउनलोड फेल्ड बिकॉज यू कॉन्ट परचेज दिस ऐप, तो आपने इसको कैसे फिक्स करना है, यही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पबजी KR को ओपन किया हुआ है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी काफ़ी एक वीक से। मैं जो है इसका सोल्यूशन ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे जो है इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो अभी मुझे इसका सोल्यूशन मिला है। मेरी यहाँ पर जो है देख सकते हैं मेरी आईडी बन गई है, मैं जो है इसको चला भी रहा, यहाँ पर जो है मैंने अपने मोबाइल में इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पबजी KR है मेरे पास। तो आपने जो है इस प्रॉब्लम को कैसे आपने सॉल्व करना है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी दबाएँ ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर आप जो है तसल्ली कर लें, ये मेरे पास जो है पबजी KR ही है, ना कि कोई और। तो आपने जो है ये कैसे आपने इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। अगर आपके पबजी KR के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर पबजी ग्लोबल के साथ, या BGMI के साथ आ रही है, सेम ही मेथड अप्लाई होगा। आपने जो है इसी मेथड के ज़रिए उनके साथ भी आपने जो है उनको भी इसी तरह से आपने फ़िक्स कर लेना है। तो कैसे करना है, चलिए मैं जो है अभी आपको वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं, और आपको जो है जो मैंने मेथड अप्लाई किया है वो मैं आपको मेथड बता देता हूं, जिसकी वजह से मेरी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई है। तो यहां पर मैं मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको ZR अचीवर चाहिए होगा, आपने प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने जो है इसको ओपन करना है। जो भी आप परमिशन इसकी अलाउ करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा। तो आपने जो है एंड्रॉइड फोल्डर को आपने ओपन करना है। एंड्रॉइड फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा OBB का, ये वाला फोल्डर आपको मिलेगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको मिलेगी पबजी KR का जो है आपको फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं com.pubg.kr mobile, तो ये इसका नेम होगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने इसका सेम टू सेम यही नेम आपका होना चाहिए। अगर यहाँ पर मोबाइल के बाद कुछ भी और जो है यहाँ पर नेम दिया गया होगा तो आपकी गेम जो है वो नहीं चलेगी। तो आपने जो है सेम यही, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने सेम यही आपने नेम रखना है, com.pubg.kr mobile। अगर आपका नेम चेंज है तो आपने सेम टू सेम यही नेम आपने जो है वो रख लेना है। ये तो होगी ये बात। उसके बाद जब हम इसको ओपन करें तो उसके अंदर जो है ये वाली फ़ाइल होती है। तो ये वाली फ़ाइल अगर ना हो, मिस हो, तो तब भी जो है ये वाली गेम जो है वो नहीं चलेगी। जहाँ पर आप नेम भी दे सकते हैं, ये वाला नेम जो है मेरे पास 119 वर्जन है तो उसी का नेम है। अगर आपके पास कोई और वर्जन है तो उसका ये वाला नेम जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम टू सेम आपने सेम यही नेम रख लेना है अगर आपके पास 1.9 वर्जन है। अगर किसी तरह से ये वाली फ़ाइल जो है मिस है तो आपने क्या करना है, आपने जाना है अपनी जो है इंटरनल स्टोरेज में। जैसे ही आप इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे, वहाँ पर आपने जो है अपने इस फाइल को आपने सर्च करना है। फ़ोन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप मेन लिखेंगे, अगर आपकी इंटरनल स्टोरेज में ये वाली फ़ाइल होगी तो यहाँ पर आपको शो होगी। आपने सिंपल इसको जो है यहाँ से कट करके आपने जो है उस OBB वाले फोल्डर में आपने जो है आपने पेस्ट कर देना है। मेरे भी यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में थी तो यहाँ पर मैंने सर्च करके इसको जो है अब मैंने कट करके उस फोल्डर में जो है सेव कर दिया। तो ये आपने दो मेथड आपने अप्लाई करनी है। नंबर तीन पर आपने क्या करना है, आपने जो है इसको बंद करना है। आपने चले जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जैसे ही आप जाएँगे तो यहाँ पर आपने जो है ऐप्स में आ जाना है, या फिर आपके पास होगा ऐप्स मैनेजर तो आपने उसमें आ जाना है। ऐप्स में आपने आने के बाद आपने इस गेम को आपने जो है वो सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये वाली गेम जो है वो मिल जाएगी। तो आपने जो है सिंपल उस गेम पर आपने जो है आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास पबजी KR है 1.9 वर्जन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने परमिशन पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये वाली परमिशन आपने सभी जो है इसको दे लेनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है स्टोरेज पर आपने क्लिक कर लेना है, और आपने क्लियर डाटा भी आपने कर देना है, क्लियर कैश भी आपने कर देनी है। ये तीनों स्टेप आपने लाजमी से करने हैं। उसके बाद आपने जो है इसको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने सिंपल अपनी गेम को आपने जो है ओपन कर लेना है, तो आपकी गेम जो है वो ओपन हो जाएगी, चल जाएगी। सेम मेथड मैंने अप्लाई किया है, मैंने बहुत इस पर सर्च किया है तभी जाकर मुझको जो है ये इसका सोल्यूशन मिला। तो आपने जो है इसको लाजमी से अप्लाई कर लेना है। मैं जो है वो प्रॉब्लम वाला पहले क्लिप ऐड नहीं कर सका क्योंकि मैं काफ़ी जो है मेथड अप्लाई कर रहा था, तो इस मेथड से मेरे पास ये वाली प्रॉब्लम जो है मुझे सॉल्व हुई है। तो आप जो है सिंपल इसी तरह से इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकती हैं। तो यहाँ पर मेरी गेम जो है ईज़िली चल रही है, सुबह से मैं चला रहा हूँ तो ईज़िली चल रही है। तो इसी तरह से आप भी जो है
इस मेथड के ज़रिए अपनी गेम को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जो है चला सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आपकी के जो है पबजी ग्लोबल के साथ आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है, पबजी केआर के साथ या फिर बीजीएमआई के साथ, तो इजीली आप चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।